दिल्ली से अलीगढ़ शादी समारोह में शामिल होने आ रही एक महिला के साथ पैसेंजर ट्रेन में छेड़छाड़ की गई। इसका विरोध करने पर आरोपियों ने अलीगढ़ रेलवे स्टेशन पर महिला के पति को बेल्टों से जमकर पीटा। इसके बाद उल्टा जीआरपी ने महिला के पति को ही थाने में बैठा लिया, लेकिन बाद में लोगों के हंगामा पर महिला के पति को छोड़ा गया। आपको बता दें कि महिला जेठ की शादी में शामिल होने आ रही थी। पीड़ित महिला ने बताया कि वह दिल्ली की रहने वाली है। महिला का आरोप है कि पैसेंजर ट्रेन में दिल्ली से सवार होने के बाद ही करीब 5 युवकों ने उससे छेड़छाड़ शुरू कर दी। इसका विरोध करने पर उसके पति से भी गाली गलौज की गई। महिला का आरोप है कि इस दौरान सब कुछ होता देख कोई भी कुछ बोलने को तैयार नहीं हुआ, लेकिन बाद में पुलिस को फोन मिलाने की धमकी देने पर आरोपी ट्रेन रुकने पर दूसरे डिब्बे में जाकर बैठ गए। महिला ने बताया कि जैसे ही ट्रेन अलीगढ़ रेलवे स्टेशन पर रुकी तो आरोपियों ने फिर से उसके साथ छेड़छाड़ शुरू कर दी। जब उसके पति ने इसका विरोध किया तो उसे लात घूसों और बेल्टों से बुरी तरह पीटा गया। इसके बाद महिला के चीख पुकार करने पर आरोपी वहां से भाग गए। महिला का आरोप है कि जीआरपी ने आरोपियों को पकड़ने की बजाय उसके पति को ही थाने में बैठा लिया। सुनिए महिला ने क्या बताया। सुल्ताना दिल्ली, हम यहाँ आए थे, मेरे जेठ की शादी थी तो यही अलीगढ़ में मेरे जेठ की शादी थी तो दिल्ली में मेरा सामान रह गया था, लहंगा तो मैं वही लेने गई थी लहंगा। जब हम वहाँ से आ रहे थे दिल्ली से यहाँ अलीगढ़, तो अलीगढ़ में 2-5-6 लड़के खड़े ट्रेन में चढ़े और 2 लड़के मुझे देखे जा रहे। मैंने बोला भाई क्या देख रहे हो, तुम मुझसे भी बदतमीजी करी, मेरे आदमी से भी बदतमीजी करी। फिर एक आदमी पी के मेरे को छूने की कोशिश करी और सबने किसी ने कुछ नहीं बोला। जब मैंने फोन मांगा पुलिस को कॉल करने के लिए तो किसी ने नम फोन नहीं दिया, किसी ने कहा बैलेंस नहीं है। तब वो लड़के ट्रेन से उतर के भाग गए, दूसरे 5 बीच वाले डब्बे में बैठ गए। 5-6 लड़के थे, नहीं जानती थी। फिर उसके बाद मैं आदमी जब हम यहाँ अलीगढ़ स्टेशन पे उतरे तो मेरी अम्मी और ससुर आए, तो उसके बाद उस लड़कों ने बेड लेके बेल्टों से मारे मेरे आदमी को और बंदूक की धमकी दी, बंदूक लेके मैं इसको मार दूं जान से। अब मेरे आदमी को पुलिस स्टेशन में ले गए, कृपया करके आप मेरे आदमी को बचाओ, मेरा 2 महीना हुआ है शादी के, यहीं से ही पकड़ा है मेरे आदमी को। मेरे आदमी उस आध लड़के को पकड़ने गया तो वो लड़के लोग भाग रहे थे, मेरे आदमी ने उसको पकड़ने गए तो मेरे आदमी को बहुत मारा। उन्हीं वही लड़के ने बुलाया था सबको, उस सब लड़के को फोन। पूरा मामला ये दिल्ली में हुआ था, दिल्ली स्टेशन पे से भाग के आया यहाँ चौराहे पे, फिर वो पकड़ने गए तो वो मारने लगे, फिर वो लड़के लोग आए, मेरे आदमी को बहुत मारा। नहीं किया, किसी को भी नहीं किया, मेरे आदमी को अरेस्ट कर लिया। अगर मेरे आदमी का कुछ हो गया तो मैं विधवा हो जाऊंगी, मैं 2 महीना हुआ है शादी के, अभी कोई कुछ भी नहीं हुआ। मेरे घर में अभी मेरी भाभी आई हुई है, नहीं मेरे आदमी को प्लीज छोड़वाओ। आपको बता दें कि इस मामले की सूचना जैसे ही महिला ने अलीगढ़ में मौजूद अपने परिजनों को दी तो वहां भीड़ इकट्ठी होनी शुरू हो गई। मामले की जानकारी पर लोगों का गुस्सा बढ़ गया, जीआरपी थाने पर हंगामा शुरू कर दिया गया। हंगामा होता देख जीआरपी ने सीसीटीवी खंगालने शुरू कर दिए। हंगामा बढ़ता देख जीआरपी ने महिला के पति को छोड़ दिया और एक आरोपी को पकड़ने का दावा किया है। ऐसे साहब है आप साथ में वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।